When he returns, she promised herself that she would be as selfless as Bali's dearest wolf and love him as much as the old wolf did. So guys, finally Vanara complete ho gayi hai. I think one of the most, जब से मैंने आनंद नीलकंठन की बुक्स को पढ़ना शुरू किया है लाइक असुरा और अजय सीरीज़, उसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ आनंद नीलकंठन की वानरा नाम की एक बुक भी है विच इज़ द लीजेंड ऑफ बाली सुग्रीव एंड तारा, द कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में, फिर हमारी स्पिरिचुअल हिस्ट्री में द मोस्ट ओल्डेस्ट लव ट्राइंगल, तो आई रियली इन्जॉयड दिस बुक. आई थिंक आप सभी को पढ़ना चाहिए. इसमें एक स्टोरी दिखाई, हम रामायण सबने पढ़ा है, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है, बट एक ऐसा एक गैप था रामायण के बीच में जिसमें कि हमें पता नहीं चला एग्जैक्टली हमें हुआ क्या, जो कि था वानर आए कहाँ से. तो इसमें बहुत प्यारे तरीके से बाली सुग्रीव की स्टोरी दिखाई है, जो दो ब्रदर्स थे और दो ब्रदर वानर बेसिकली जंगलों में रहते थे, जंगलों के आवास में, मतलब कि वहाँ पे फल फूल सब कुछ वहीं पे खाते थे और कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था किसी भी टाइप के सिविलाइजेशन के लिए. बट जब बाली ने देखा कि असुर और देव एक सिविलाइज्ड कॉलोनाइज्ड चीज़ें बना रहे हैं और बहुत आलीशान तरीके से रह रहे हैं, तो बाली एक विजनरी था जिसने सोचा कि नहीं, हम भी वानर है, हम भी इसमें वानरनारा टर्म का यूज़ किया गया है, वानर है और हम अपने आप को ग्रो करके एक लेवल तक लेके जाएंगे कि हम भी कम्पीट कर पाए देवों और असुरों के साथ. और इस बुक में रियली मुझे बुक की स्टोरी बहुत अच्छी है. इसमें स्पेसिफिकली अगर आप पढ़ते हो तो इसमें रावण और बाली का जो युद्ध होता है, दैट इज़ वाओ, मीन्स कहा जाए ना एक स्लो मोशन. अगर आप अल्लू अर्जुन की मूवीज़ देखते हो तो स्लो मोशन में जब वो एक्शन करता है तो वही सारे स्लो मोशन के फॉर्मेट में उस लड़ाई को दिखाया हुआ है, मीन्स अमेजिंग. सेकेंडली द मोस्ट गूज़बम्पी थिंग इज़ कि जब सुग्रीव राम को और लक्ष्मण को अपनी सेना देने जाता है तो सेना को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि बाली मर चुका होता है और पूरी की पूरी सेना बाली के लिए थी, बाली को देखा उन्होंने कि बाली ने किस तरीके से उनको ग्रो करवाया, तो उसी के लिए तारा जो बाली की वाइफ थी और बाद में सुग्रीव की वाइफ बन गई बाली के मरने के बाद, तो तारा जिस तरीके से कन्विंस करते हैं सारे वानरों को कि कैसे आप युद्ध करो, मीन्स उसमें इस तरीके से दिखाया, मतलब बोलने का तरीका क्या था कि एक बाली हुआ करता था जिसने कुछ सोचा था कि हम वानरों को किसी एक मुकाम तक लेके जाएंगे, बट शायद हमारी किस्मत में ऐसा नहीं था. पहले भी हम गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं और आगे आने वाले टाइम में भी गुलाम रहेंगे. आज हम उनके साथ लड़ने जा रहे हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, जो हमें आज तक शायद भाव भी नहीं देते थे, और हम उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जिन्होंने हमसे कभी कोई झगड़ा या द्वेष किया ही नहीं है, लेकिन आपको लड़ना है क्योंकि उनका ये आदेश है, देवों का ये आदेश है. मीन्स ऐसा लगा कन्विंसिंग था कि यार, मीन्स क्या एक थॉट प्रोसेस था, मतलब राइटर आनंद नीलकंठन रियली हैट्स ऑफ, क्या थॉट प्रोसेस था कि हाँ मैं इस डायरेक्शन से लेके जाऊंगा स्टोरी को. मीन्स लग रहा था कि हाँ यार, क्यों वानरों ने ऐसा, क्यों वानर आए नहीं इस, मतलब स्टोरी मेन किसी भी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन में नहीं आए. मीन्स इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग, मतलब एंड तो मीन्स जब आखिरी में तारा बाली को याद करते हैं, बाली का वेट करते करते एंड में ख़त्म हो जाती है कि बाली आएगा, उसका बाली कभी ना कभी आएगा, और जब आएगा तो बाली का एक पालतू था, तो पालतू जो एक भेड़िया था, तो वो जिस तरीके से सेल्फलेस होकर प्यार करता था, मैं भी सेल्फलेस होकर प्यार करता, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो दिस इज़ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी आई हैव रेड टिल नाउ. बुक्स बहुत सारी है लेकिन मज़ा आ गया इस बुक को पढ़ के. तो आई थिंक आप भी पढ़िए इस बुक को, और रियली अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इस बुक को पढ़ने के और आपको कैसा लगा.